हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों के मुंह से ये बात सुनते हुए कि मुहासों को फोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चेहरे पर काफी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कई लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और वो इस बात को सुनने के बावजूद भी अपने मुहासों को फोड़ देते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कि मुहासों को नहीं फोड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यदि हमारे चेहरे पर कोई पिंपल या फिर मुहासे होते हैं और हम उसे फोड़ देते हैं तो फोड़ते समय काफी ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है और उसी दबाव के कारण वही पिंपल या फिर मुहासे हमारे चेहरे के दूसरे हिस्से के ऊतकों में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के अन्य हिस्सों पर और ज्यादा मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। कई बार जब हम मुहासे फोड़ते हैं तो उसके अंदर से मवाद और ब्लीडिंग होने लगती है और अगर वो मवाद हमारे चेहरे के किसी अन्य हिस्से पर लग जाती है तो वहाँ भी इन्फेक्शन की वजह से और ज्यादा मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने चेहरे के मुहासों को फोड़ते हैं तो वो एक दाग का रूप ले लेते हैं और उस दाग को हटा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक बेदाग चेहरा चाहती हैं और आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो उन्हें इग्नोर करें क्योंकि वो अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। अगर आप उन्हें बार बार फोड़ देंगे तो आपके चेहरे पर दाग धब्बे ज्यादा हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, चेहरे पर जब भी मुहासे होते हैं और अगर आप उन्हें फोड़ देती हैं तो चेहरे पर लाल कलर के दाग हो जाते हैं और उन लाल रंग के दागों को आप मेकअप से भी नहीं छुपा सकती हैं। चेहरे को ये काफी ज्यादा भद्दा दिखाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मुहासों को नहीं फोड़ना चाहिए। सो दोस्तों, अगर चेहरे पर आज के बाद कभी मुहासे निकलते हैं तो उन्हें गलती से भी फोड़ने की कोशिश ना करें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।